गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था 5:30 बजे और अभी बजे हैं 6। मैं जिम में जाने की सोच रहा था और अब जाऊंगा मैं जिम में, क्योंकि शाम को नहीं जा पाया। जिम भी बंद थी और शाम को होने लग गई गर्मी, तो आज से मैंने सुबह सुबह जिम स्टार्ट कर दी है। देखते हैं सुबह जिम करके कितने बजे आते हैं। तो जिम करके आने के बाद मिलते हैं आपसे फिर। तो जिम से मैं वापस घर आ चुका हूँ, भाई भी मेरे साथ गया था और भाई कह रहा है, और अब मैं नहाता हूँ क्योंकि मैं हो गया काफ़ी लेट, 7:30 तो हो चुके हैं। मेरे को कैंटीन भी जाना है, नहाने के बाद मिलते हैं फिर। अब हो चुका हूँ मैं नहा करके तैयार, और अब मैं जा रहा हूँ शॉप पर। ये कनक देखो कैसे बैठी है, चले कनक, कनक भी साथ चलने को तैयार है। तो आपसे मिलते हैं फिर शॉप पर। हाँ कनक। तो गाइस शॉप पे तो मैं आ चुका था, आते ही मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था यहाँ पे। संडे है तो कस्टमर ज़्यादा आ रहे थे, और अभी बजे हैं 12:30 बजे हैं। मेरे भाई का फ़ोन आ गया, बोला तू घर आ जा, घर पे पेंट का काम चल रहा है, तो बोला सामान इधर उधर करना है, हेल्प चाहिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, देखते हैं घर जाकर क्या हेल्प करवा रहे हैं। मेरे को झूठ बोल रहे हैं, वैसे बुला रहे हैं, तो घर जाकर देखते हैं और दिखाता हूँ वो घर पे क्या करना है, क्या कहेंगे मेरे से। मैं आ चुका हूँ घर, और ये है मेरा रूम जिसको अभी इसमें करवाना है पेंट, और ये बेड सरकाना है साइड में, इसलिए मेरे को बुलाया गया और कोई मतलब नहीं है। तो अभी ये सारी चीज़ें हटेंगे, पर्दे वर्दे सब हट के दोबारा से, और फिर यहाँ पेंट होगा, और फिर देखते हैं कैसा अच्छा लगता है। ये बेड सरकाना है, ये अलमारी है, इसको आगे पीछे करना है, और ये काजल भी साथ करा रही है। और ये देखो हमारी पुरानी संदूक है, ये इसमें से ये कपड़े निकले हैं, बहुत पुराने पुराने 5-5 साल पुराने कपड़े निकले हैं ये। 5 साल ज़्यादा, और ज़्यादा हो सकते हैं पुराने। देखो कितना सामान रखा हुआ है, ये सब साइड में करना है। और मैं आपको एक अनोखी चीज़ दिखाता हूँ जो किसी के घर में बाई चांस ही मिलेगी, जो हमारे घर में रखी है। ये पता है क्या, ये कोई सैटेलाइट नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि सैटेलाइट है, ये है हीटर जो गैस से चलता है। ये इसकी गर्म हो जाती है और ये फिर लाल हो जाती है, फिर बहुत तगड़ी गर्म हो जाता है, कमरे में लगा दो। ये है हमारे मुर्गा फार्म का, जब छोटे मुर्गे में लगाते थे, सिलेंडर से चलता है, ये सिलेंडर में लगता है, और फिर इसको ऑन करो फिर चला दो। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये है टेप रिकॉर्डर जिसको डैक भी बोल सकते हैं हम, यहाँ इसमें कैसी डलती है, इस पर तो गर्दा गुर्दा लगा हुआ है इस पर। ये बहुत पुराना है, लगभग कितना पुराना होगा, 10 साल? 10 नहीं, लगभग 15 साल पुराना है ये, 15 नहीं, ये लगभग 20 साल से ऊपर पुराना है, मेरे ध्यान अच्छी तरह से 20 साल पुराना है ये, अब भी चल सकता है, पता है मेरे को, चला के देखते हैं। मोनू इसको तार लगा, इसको तार लगाए दिखाएंगे, और इसमें लाइट पक्का आएगी, और तो छींक मत लगा मोनू। अब मोनू इसके लगा रही है तार, लगा दिया, अब मैं करूँगा इसको ऑन। अरे नहीं आई लाइट, नहीं आई भाई, इसमें लाइट है ही नहीं, लाइट इसमें है, इसमें है लाइट, इसमें भी नहीं है। वही रवि ना को आने लगी छिक के, इसकी प्रॉब्लम है ये, लाइट है भी कि नहीं, यहाँ आनी चाहिए लाइट, ये ख़राब नहीं था, ठीक था, ये आ गई आ गई आ गई, चला चला चला, लगाइए लगाइए मोनू, लग रहा है ना, और अंदर घुसा, हाँ देखो वो चला 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 चला, ये ऑन है, देखो आपको लाइट दिखाई दे रही होगी, मतलब ये भी ठीक है, ये 20 साल पुराना है, लेकिन इसकी ये कैसेट नहीं निकली, कैसेट फंस गई इसमें, कैसेट भी दिखाता है, इसमें है एक कैसेट। चलो मैं इसकी कार्रवाई करके फिर दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इसका आगे का सिस्टम भी खोल दिया, लेकिन ये कैसेट नहीं निकल पाई इसमें से, ये खोल दिया मैंने देखो, लेकिन ये पता नहीं अंदर से फंसा रखी, इसमें कुछ डाल रखा है यहाँ से, और ये नहीं निकल पाई, तो कोई ना, हम इसको ऐसे ही रख देंगे। ये बहुत पुरानी चीज़ है, देखो इसमें ये यहाँ लाइट जल रही थी, पहले दिखाया ये लाइट नहीं जल, तब मैंने सोचा ऑफ है ये ऑन है, लेकिन इसमें लाइट लुइट बिल्कुल ठीक है ये। अब इस बेड को करते हैं साइड में,
ये देखो इसमें ये है डीवीडी प्लेयर, ये तो इतना पुराना नहीं है लेकिन है पुराना। और ये देखो क्या क्या कबाड़ा हमारे घर में, कितना अड़ंगा फैला हुआ है, सब साफ करेंगे। वो है स्प्रे करने की मशीन, अब सबको नीचे उतार के और वो बाहर रख रहे हम, फिर यहाँ पे होगा पेंट। तो मैंने अभी मेरी माँ से पूछा उस डेक के बारे में, वो डेक 25 साल पुराना है और मेरे भाई ने मंगवाए थे जिद करके मेरे पापा से। ये मेरे पापा खड़े हैं यहाँ पे और वो अब भी ऑन है, कभी ख़राब नहीं हुआ, अब भी चल रहा था लेकिन उसकी कैसेट फंस गई। तो देख लो अब आप लोग, 25 साल पुराना डेक हमारे अभी रखा है, किसी के घर में शायद मिलेगा। जैसे हम साफ सफाई कर रहे थे तो ये लोगो, ये पर्चा एकदम मेरे सामने निकल के आया। तो ये पता है क्या है, कई साल पहले हम लोगों ने एक वेबसाइट तैयार करवाई थी, noinvent.com। ये बिल्कुल अमेजन की तरह थी लेकिन हम इसको संभाल नहीं पाए और ये प्रोजेक्ट हमारा फेल हो गया। बहुत सारे स्टिकर हैं ये चिपकाने के लिए, ये देखो स्टिकर है, ये मेरे भाई ने तैयार करवाया था। लेकिन बस यही है ना कि गांव से बिलोंग होना, इस तरह की चीज़ें, मतलब ये संभाल नहीं पाए। लेकिन ये इसको लोगो था और वेबसाइट का नाम noinvent.com, सेम टू सेम अमेजन फ्लिपकार्ट समझ लो, इस तरह की वेबसाइट थी ये। और ये बुक निकली है, ये बुक पढ़ता है मेरा भाई, कितनी पुरानी, इनका कलर देख के लग रहा होगा आपको। ये देखो ये बुक्स निकली है अभी, बुक्स तो अभी बहुत सारी हैं, ये यहाँ पे रखी हैं, ये भाई पढ़ता है, ये ऊपर रखी है। लेकिन ये देखिए तो बहुत पुरानी बुक्स हैं ये। और अब काफ़ी टाइम हो गया मुझे घर पे, मैं शॉप पे जाऊंगा, चाय पी लेते हैं फिर जाएंगे शॉप पे। तो घर से मैं आ गया था शॉप पे और आज हमारे घर पे रात जगाई जा रही है, माता की रात, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। तो मेरी माँ का अभी अभी फ़ोन आया था कि हम रात जगाएंगे और कुछ सामान लेकर के आना है, जैसे कि जो औरतें रात को आती हैं उनके लिए कुछ बूंदी वगैरह, नमकीन वगैरह, इस तरह का आइटम, और कह रही कि कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे। तो मेरी माँ ने इस तरह कुछ सामान मंगाया, वो सामान मैं लेकर के जा रहा हूँ। तो रात जगाएंगे तो कुछ नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी टाइम हो चुका है 7:09, लगभग 20 मिनट के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा घर के लिए। और फिर आप ये है साहिल जो कि आज रात को घर आया था, रात जगाने का जो प्रोग्राम था उसके लिए। और ये रेवाड़ी रहता है, ये मेरे जो ताऊजी हैं उनका जो लड़का, उसका बेटा है, तो मैं इसका चाचा लगता हूँ। और ये आपको पहली बार दिखाई दिया होगा, शायद आगे कभी फिर भी दिखाई दे। तो अभी आप लोगों ने देखा रात जगाई जा रही थी, कुछ औरतें थी जो गीत गा रही थी, ऐसे रात जगाई जाती है। और बीच में एक दो बार लाइट भी चली गई थी, लाइट तो है ही नहीं, इन्वर्टर से चला रखा था, लाइट जला रखी थी। तो हमारे इन्वर्टर जो स्विच होता है ना वो ख़राब हो चुका है, वो बार बार दिक्कत कर रहा था। तो काफ़ी रात हो चुकी है, रात के लगभग 2 बज चुके हैं और अब हमें सो जाना चाहिए क्योंकि कल सुबह कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, नए हैं सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नए ब्लॉग में। ओके बाय।